बिहार के कटिहार में कोविड टीकाकरण की जागरूकता को लेकर घोड़ी से सजी बग्गी को टीकाकरण जागरूकता से सजाई गई बैनर पोस्टर वाले रथ। उप मुख्यमंत्री तार किशोर प्रसाद बीजेपी पार्टी की झंडा दिखाकर समरणालय द्वार से किया गया रवाना। उप मुख्यमंत्री तारा किशोर प्रसाद ने कहा, पीएम नरेंद्र भाई मोदी जी ने देश में निःशुल्क टीकाकरण के लिए जो लक्ष्य रखा है उसी लक्ष्य पर बिहार की सरकार भी आने वाले 6 महीनों में 6 करोड़ टीकाकरण का लक्ष्य रखा है। हमारी बीजेपी के कार्यकर्ता, पार्टी के अलग अलग प्रकोष्ठ के सभी लोग बिहार और भारत की जनता को जागृत करने के लिए जन जागरण रथ यात्रा निकाले, जिससे भारत के लोग जागरूक हों, कटिहार के लोग जागरूक हों, वो टीकाकरण में अधिक से अधिक भाग लें। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने पूरे देश के जो अपने लोग हैं उन्हें निःशुल्क टीकाकरण करने का फैसला किया है और बिहार की सरकार ने भी आने वाले 6 महीने में 6 करोड़ टीकाकरण का लक्ष्य रखा है और भारतीय जनता पार्टी के हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता, भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग जो प्रकोष्ठ हैं सभी लोग बिहार और भारत की जनता को जागृत करने के लिए एक जन जागरण रथ यात्रा भी निकाली है, जिससे कि भारत के लोग जागरूक हों, हमारे कटिहार के लोग जागरूक हों और वो टीकाकरण में अधिक से अधिक भाग लें, जिससे कि कोरोना के संक्रमण से लोग बच सकें। मैं भारतीय जनता पार्टी व्यापार प्रकोष्ठ कटिहार जिला के सम्माननीय अध्यक्ष श्री राकेश चौधरी और उनके तमाम सहयोगियों को हृदय से हम धन्यवाद देते हैं। उन्होंने इस रथ की यात्रा आज प्रारंभ करके और मुझे लगता है कि कटिहार शहर के विभिन्न क्षेत्रों में यह रथ जाएगी और लोगों को जागृत करेगी, जिससे अधिक से अधिक लोग टीकाकरण के महत्व को समझ सकें एवं टीकाकरण में वो भाग लें, टीका लगाएं और जिससे वो भी बचेंगे और देश भी बचेगा। थैंक यू।